हेलो गाइस, दिस इज़ फराज़ ज़ाहिद एंड वेलकम बैक टू एफ़ज़ी रिएक्शन टीवी। गाइस, अभी मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ वो है जी नोएडा सिटी ड्राइव, मोस्ट पॉपुलर लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो आप सबको पता है मैंने नोएडा पर एक वीडियो पर रिएक्ट किया है, द मोस्ट मॉडर्नाइज सिटी, और काफ़ी अपने चैनल के अर्ली डेज जो थे उनमें किया था, और बहुत अच्छी जगह लगी थी, बहुत अच्छा याद आया था, मुझे याद है काफ़ी सारी सीनरी, ग्रीनरी भी थी यहाँ पर, फूड्स अच्छे लगे थे, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी थी और आईटी से रिलेटेड चीज़ें भी थी, और मेट्रो भी बहुत अच्छी थी, मतलब कि यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ था। उसके बाद फिर मतलब और वीडियो सजेस्ट होती थी तो मैं देखना चाह रहा था पर मैं देख नहीं सका लेकिन आज मुझे मौका मिला, एक दोस्त है उन्होंने वीडियो भी सजेस्ट कर दी, तो मैंने कहा कि मौके पर चौका लगाते हैं और इस वीडियो को देखते हैं और आप लोगों के साथ देखते हैं, ताकि हम इकट्ठे इस जगह की ज़रा सैर तफरी कर सकें, कुछ घूम फिर सकें। तो इस वीडियो के थंबनेल में जो नज़र आ रहा है बड़ा शानदार सा लग रहा है, मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को और जो बेल आइकन है उसको एक्टिवेट कर दें, और ये सारे लवाजमात जो आपको बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और फिर बाकी जितनी भी बातें हैं वो हम वीडियो के एंड पे करेंगे, उससे पहले बस जल्दी जल्दी वीडियो देख लेते हैं और फिर सारी बातें करते हैं बैठ। Let's dive into the video. Greater Noida. Friends, welcome to New Way Journey again. और अभी हम हैं ग्रेटर नोएडा में। ये सामने जो दिलकश नज़ारा है ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चेरी काउंटी का। चेरी दिस लोकेशन इज रियली ऑसम। ये जो सामने आपको मार्केट नज़र आ रही है ये यहाँ की लोकेलिटी की मार्केट है जो कि बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड है टू रीच। चेरी काउंटी में लगभग 29 फ्लोर्स हैं और प्राइसेस के रेंज अराउंड 40 लैक्स फॉर 2 BHK एंड 50-60 लैक्स फॉर 3 BHK करंटली। They have other projects also like Orange and Cleo County in Indirapuram and Vasundhara. And huge buildings. अब हम जिस रोड पर आए हैं ये यहाँ की मेन रोड है जो कि दिल्ली नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट आती है। अभी हम ग्रेटर नोएडा से नोएडा दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। राइट में जो आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं ये सुपरटेक, अजनारा, महागुन और पिनेकल बिल्डर्स के हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स कॉर्स और सुपरटेक के ही हैं शायद इन टर्म्स ऑफ एरिया साइज। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, बहुत डेवलपमेंट हो रही है भी यहाँ पर। और अगर आप यहाँ लेफ्ट में देखें तो ये गौर के गौर सौंदर्य अपार्टमेंट्स हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, एक दफा बन जाएगी तो फिर सबका जो साइड का लुक है वो आप देखिएगा। और अब हम आ गए हैं चार मूर्ति चौक पर जिसे गौर चौक भी कहते हैं। चार मूर्ति चौक यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे जो रास्ता जाता है, मतलब चार मूर्ति है यहाँ पे बड़ी चौक, अभी आठ होंगी चार। और ये सामने आपको लेफ्ट में जो फ्लैट्स दिख रहे हैं ये है सुपरटेक का सुपरटेक इको विलेज 1। यहाँ पर सुपरटेक ने काफी विलेजेस, इको विलेजेस बनाए हैं 1, 2, 3, 4। ये सुपरटेक इको विलेज 1 है। You can say it's very very long और यहाँ पर काफी flats हैं। यहाँ पे flats की pricing almost like 30 lakhs to 60 है in terms of 2 BHK और 3 BHK. This is their gate. अभी यहाँ पे units I think काफी खाली हैं।
यहाँ पर एक सोसाइटी या एक अपार्टमेंट्स खत्म होते हैं तो दूसरे अपार्टमेंट्स शुरू हो जाते हैं। और ये यहाँ का ऑफिस कम एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ऑफिसेस प्लस मॉल पीवीआर सिनेप्लेक्स बन रहा है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है मगर कुछ टाइम में बन जाएगा। एंड दिस इज लोटस वैली स्कूल। दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम स्कूल ऑफ और यही पर है रियान इंटरनेशनल स्कूल। ये ज़्यादा ज़्यादा स्कूल स्कूल वाली दुकान तो काफ़ी ब्रांचेस दिल्ली में भी इंस्टीट्यूशन लग रहा कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पर कहीं भी जाएंगे तो आपको ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या तो मिलेंगी या अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेंगी। एंड दिस वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। दिस इज अरिहंत। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि सर्विस रोड्स हैं और ग्रीनरी है, कहीं पे भी अभी तक ट्रैफिक नहीं नजर आया है या कहीं पे जैम्स नजर नहीं आए हैं। ये हर तरफ आप अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शंस एंड ऊंची बिल्डिंग्स ही नजर आने वाली हैं। हम जिस तरफ भी जा रहे हैं हर तरफ यही नजर आ रहा है हमें। स्टेलर वन प्रोजेक्ट। स्टेलर अगर आपको पता हो इनके ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस भी हैं बहुत सारे। ग्रेटर नोएडा को लगभग 16 विलेजेस को मिला के बनाया गया था, उनमें से सब वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाज साहबेरी अगर आपको पता हो। विलेजेस को डेवलप किया गया था उन्होंने। ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस देयर आईबीएम का आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा यहाँ पर। Now we are coming back towards Charmurti Chowk. Now we are at Charmurti Chowk, Gore City. ये आपको यहाँ की four sculptures हैं यहाँ पे। Statue भी नजर आ रही होगी right में। यहाँ से actually एक रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, एक गाजियाबाद की तरफ जाता है, एक ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है। बहुत सारे रास्ते जाते हैं यहाँ से। This is all Gore City. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। मतलब कि मेरे लिए तो वीडियो सही थी क्योंकि मैंने जगह नहीं देखी हुई, तो घूम फिरते हुए जगह को देखना मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकती है कि वो मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स देखे जा रहे हैं। तो बट स्टिल बियर विद मी क्योंकि आई एम अ न्यू बी और मैंने चीज़ें नहीं देखी हुई, तो मेरे साथ एक दफ़ा आप दोबारा उस चीज़ को रिलीव करें, देखें। और नोएडा सिटी के अंदर आप इस चीज़ को देखें कि हर जगह पर आपको वही जिस तरह बात कर रहे थे कि ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स, एक वो सीक्वेंस शुरू होगा ख़त्म होगा तो अगला शुरू हो जाता है, और अगर वो बनी हुई नहीं है तो बन रही होंगी। तो यानी बेबहा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आने वाले टाइम में तो मतलब आपको हर जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ही नज़र आएंगी फिर यहाँ पर, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है। और इन्होंने जो अच्छी बात एक की उसके बाद ये कि ट्रैफिक जैम ऐसा सच कोई नज़र नहीं आया। पहले मैं समझ रहा था कि शायद वो सीन्स एडिट किए हों अंदर से क्योंकि ट्रैफिक तो आ ही जाता है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद एक्सप्लेन करके बताया कि नहीं, ट्रैफिक उनको इस तरह सामने नहीं करना पड़ा किसी ट्रैफिक जैम का, तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब ये भी एक साइड पे दिल्ली की मेरे ख्याल से नोएडा सिटी है और दूसरी साइड पे वो गुड़गांव है। जिस तरह बता रहे थे कि गुड़गांव जो था वो भी पहले गांव था और उसको बाद में साइबर सिटी के उसके अंदर कन्वर्ट किया गया है,
DLF की तरफ से काफ़ी सारी उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ चीज़ें की गई, IT हब बनाया गया उसके उसके बाद फिर एक साइड पे ये है नोएडा सिटी। तो ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन 20 गांव का कह रहे ना उन्होंने कि 20 गांव से उनको मिला कर ये जगह बनाई है, इनको डेवलप कर दिया गया उस इलाके को। अभी इनको कोई कह नहीं सकता कि देख के यार कभी ये गांव भी हुआ करते थे। बस इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके साथ साथ बस ग्रीनरी हो तो गुजारा होगा, नहीं तो बड़ा मसला बन जाता है उस चीज़ से। तो गाइस दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।